ABPS न्यूज़। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के एक बैठक का आयोजन जिला बुलंदशहर के ब्लॉक ऊंचा गांव में दिन बुधवार को ब्लॉक सभागार में किया गया। बैठक में प्रधानों ने भाग लेकर अखिल भारतीय प्रधान संगठन की मजबूती का संकल्प किया। बैठक को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रामसेवक यादव ने कहा कि जिले में ग्राम प्रधानों के ऊपर हो रहे उत्पीड़न को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 6 अप्रैल को जिला मुख्यालय के पास मलका पार्क काला आम बुलंदशहर में प्रधानों का महासम्मेलन सुबह 10 बजे से आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानों की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण करने की रणनीति बनाई जाएगी। मित्रों, बलवानों का बालक बांका हुआ, बलहीन सताए जाते हैं, शेरों को कभी न बलिदान हुआ, बल तो बकरे ही चढ़ाए जाते हैं। कभी आप लोगों ने किसी शेर का बलिदान होते सुना है क्या? देखा तो नहीं होगा लेकिन सुना है क्या? तो सर, अरे बोलिए ना। सर नहीं सुना ना? आपके अंदर जो ताकत है, जो तो शक्ति है, उसका अंदाजा आप को स्वयं को नहीं है। आप अपनी ताकत को नहीं जानते, आप अपनी शक्ति को नहीं जानते। और बड़ा अफसोस है कि आज जंगल अनापाठी के न चाहे तीन चोर बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष जगमाल सिंह मावई ने बताया कि जिले में संगठन के विस्तार के लिए बहुत तेजी से अभियान चलाया जा रहा है और जिले के सभी प्रधानों को संगठन से जोड़ा जा रहा है। जो भी मतलब सी पर की तनखा तब तक नहीं निकलेगी जब तक प्रधान साइन नहीं करेंगे। लागू है तीसरे ये जो है हम डीएम लेवल की ये समस्या हम करा सकते हैं। तीसरे पटवारी आता है गाँव में प्रधान को पूछता है हाँ वो पटवारी की समस्या। परसों हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ से जब हटेंगे हम जब ये पटवारी की समस्या जितनी हमारी समस्या है अपने जिला महामंत्री धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि संगठन को पूरे प्रदेश में मजबूत किया जाएगा तथा प्रधानों के ऊपर होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ पुरजोर विरोध किया जाएगा। बैठक के दौरान ग्राम प्रधान ओम प्रकाश, सतपाल सिंह, नानक सिंह, मनोज कुमार, ब्रजेश देवी, आशा देवी, सरोज देवी, जयपाल सिंह आदि मौजूद रहे।